स्वतंत्रता बाधक का। स्वतंत्रता बाद काल में सबसे पहला हम काल देखते हैं विस्तार काल। नाम ही है विस्तार काल। इसमें मैथिली उपन्यास का क्या हुआ, मैथिली उपन्यास के क्षेत्र विषय और वर्ण वस्तु आदि में विस्तार आए। देखिए क्षेत्र का मतलब अब यहां पर राष्ट्रीय के साथ साथ पहले क्या होता था, मूल रूप से मैथिली समस्या होता था, मैथिल समस्या के साथ साथ देखिए मिथिला मैथिल और मैथिली मिथिला क्षेत्र मैथिल मतलब यहाँ के लोग और मैथिल मतलब भाषा, तो मैथिल समस्या था वहां के लोगों का समस्या पहले हुआ करता था मात्र यही। अब इसके साथ इस काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है ना ये भी जुड़ गया, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय विषय वस्तु भी जुड़ गया। ठीक है, अब इसका विषय केवल उच्च जाति की महिला नहीं हुआ करती थी, पहले उच्च जाति केवल थी, उच्च जाति के साथ साथ अब निम्न जाति से भी महिला, निम्न जाति समस्या, ठीक ना, निम्न जाति समस्या, सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, उद्योग धंधा वगैरह राजनीतिक सभी क्षेत्र का इसमें अब जुड़ाव आ गया। ठीक है ना, सभी संपूर्ण भाव, संपूर्ण भावक विकास, वर्ण क्षेत्र में इसका विस्तार आ गया, थीम वगैरह में। अब जो है इस काल के उपन्यास में मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, गांधीवाद, इस सब का प्रभाव यहाँ पर अब दिखने लगा। अब उपन्यास में मार्क्सवाद का प्रभाव था, गांधीवाद का प्रभाव था, अस्तित्ववाद का प्रभाव था, अस्तित्ववाद का प्रभाव था, उत्कट नारीवाद का प्रभाव था, उत्कट नारीवाद मतलब रेडिकल फैमिली, लेकिन ये प्रभाव कम है, नगण्य है, मर्यादा के साथ है, ठीक ना, मर्यादा के साथ है। उत्कट नारीवाद में कहते हैं बिना वैवाहिक रिलेशनशिप के, बिना सामाजिक रिलेशन के स्वैच्छिक रिलेशन उत्कट नारीवाद रेडिकल फैमिली में करती है का मानना है, लेकिन यहाँ पर एक मर्यादा के साथ रेडिकल फैमिली से आपको वगैरह में बिजली वगैरह का पात्र ऐसा है, लेकिन उस समय वो वैवाहिक स्थिति को मान्यता देती है और स्वैच्छिक रिलेशन को भी मान्यता देती है, तो वैवाहिक रिलेशन को कद्र करती है। रेडिकल फैमिली में क्या है, उसको कद्र ही नहीं है, लेकिन यह कद्र करती है, इस कारण से इसको कहते हैं कि मर्यादा के संग उत्कट नारीवाद का प्रभाव है रेडिकल फैमिली। ठीक है, इसके बाद मनोविज्ञानवाद, मनोविज्ञानवाद सिगमंड फ्रायड है, मनोविज्ञानवाद जिसमें कहते हैं संसार में हर दुख का समस्या, हर चीज की शुरुआत यौन पिपासा से शुरू होता है और वही डिजायर पूरा करने के लिए इंसान समस्त काम करता है। ठीक है, अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने के लिए आप किसी भी मर्यादा को आप और ये कोई दिक्कत नहीं है, जीवन सबसे पहले होता है, सर्वोत्तम जीवन है, उसी के बाद अच्छा और बुरा है, नीक बजाय हम उसके बाद ही सोच सकते हैं। गांधीवाद समझते ही हैं आप लोग, मार्क्सवाद समझते ही हैं कि हर चीज को वह अर्थ से जोड़ता है, हर चीज को वह एक सर्वहारा वर्ग से जोड़ करके देखता है, तो यही मार्क्सवाद है, तो यही वाद सबसे, और सब बहुत सारा समय के साथ वाद सब आया, इस सबसे यह है। ठीक है ना, इस प्रकार से यह इस समय में उपन्यास का विस्तार हुआ। अब उपन्यास इस काल में राजनीति क्षेत्र पर भी लिखा गया। ठीक है, पहले इसको लिख लेते फिर हम देखते हैं आगे।